फॉर एग्रीकल्चर, मेरा नाम है अभिषेक और आज के एंटोमोलॉजी के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पेस्ट ऑफ वीट के बारे में। सो वीट जिसको हम हिंदी में कहते हैं गेहूं, और अगर हम इंडिया में बात करते हैं या फिर हम जो एशियन कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट है, उसमें भी साउथ जो एशिया है उसमें जो गेहूँ है मोस्ट, अगर हम बात करते हैं मोस्टली वो यूज़ होता है फॉर द पर्पस ऑफ चपाती, मतलब रोटी के लिए ज़्यादातर गेहूँ का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको ग्राइंड करके हम इसका पाउडर बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वीट। और वीट क्या, जिसको हम आटा कहते हैं हिंदी में, और उसको हम फिर यूज़ करते हैं इंटरनेशनली। अगर हम बात करते हैं तो इस वीट का जो यूज़ है ज़्यादातर यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग ब्रेड। ठीक है, क्योंकि बाहर के लोग जो इंटरनेशनली जो रोटी है वो नहीं खाते हैं, वो ब्रेड के फॉर्म में इस वीट को कंज्यूम करते हैं। सो जो आज का लेक्चर है ये एक ऐसा क्रॉप हो गया ना, ये जो एक वीट एक ऐसा ग्रेन हो गया जिसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनली भी इनको यूज़ किया जा रहा है, और गेहूं को आप जानते ही हमारे हमारे लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज गेहूं से जो हम रोटी खा रहे हैं दैट इज़ अ स्टेपल फूड। ठीक है, स्टेपल फूड मतलब हमारे रेगुलर डाइट का एक एक पार्ट है रोटी, जो कि गेहूं से बनता है। सो इसके पेस्ट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। इसमें जो सबसे पहला जो हम पेस्ट पढ़ेंगे, वीट का जो सबसे पहला पेस्ट होता है, सबसे बेसिक वीट एफिड। ठीक है, वीट एफिड जो है वो बिलोंग करता है कौन से ऑर्डर से, हेमिप्टेरा से। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन बात करेंगे तो इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वीट ग्रोइंग एरियाज, जहाँ जहाँ पे वीट लगाया जाता है हर जगह वीट एफिड पाया जाएगा। होस्ट रेंज में अगर हम बात करते हैं तो वीट तो है ही, वीट के साथ साथ बार्ले, ओट्स, साइनोडॉन डेक्टाइलॉन यानी दूब ग्रास जिसको कहते हैं, उनके ऊपर भी ये एफिड जो है लगता है। डैमेज सिम्पल में बात करेंगे तो लाइक अदर एफिड्स, द नीम्स एंड एडल्ट सक द सैप फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, सैप को कंज्यूम करते हैं, पार्टिकुलरली फ्रॉम देयर ईयर्स। हम ईयर क्या होता है, अगर देखो मैं आपको ईयर के बारे में समझाऊं, तो देखो अगर मैं एक गेहूं का पौधा देखूं तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, यहाँ पे पत्ते लगे हैं। ठीक है, टॉप पोजीशन पे क्या लगता है, गेहूं की फली लगती है। और एक गेहूं की फली को अगर हम देखते हैं जिसमें बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं, तो देखो बहुत सारे ऐसे ऐसे ग्रेन्स लगे होते हैं इसके अंदर में। ठीक है, तो ये जो ग्रेन्स है ना, एक साथ में जो हम ये जो इन्फ्लोरेसेंस टाइप जो बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें ये जो है वीट के सीड्स हैं, ठीक है, इनको ही हम क्या कहते हैं, इनको ही हम कहते हैं ईयर। मतलब ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ईयर। सो मूविंग टू द टॉपिक, कि जो डैमेजिंग सिम्टम है अगर हम बात करते हैं, तो वो एफिड जो है उनके नेम्स और एडल्ट दोनों सक करते हैं प्लांट से। ठीक है, पार्टिकुलरली फ्रॉम द ईयर, दे अपीयर ऑन द यंग लिप्स और ईयर्स इन द लार्ज नंबर, सॉरी दे अपीयर इन द यंग लिप्स और ईयर्स इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग द कोल्ड एंड क्लाउडी वेदर। जब कोल्ड एंड क्लाउडी वेदर होता है तो ये अपने को लार्ज नंबर में दिखते हैं, और कहाँ पे, यंग लिप्स पे और ईयर्स पे। डैमेज, द डैमेज इज पार्टिकुलरली सीवियर इन ईयर ऑफ कोल्ड एंड क्लाउडी वेदर। मैंने जैसे आपको बताया कि ज़्यादा सीवियर डैमेज कब होगा, कोल्ड एंड क्लाउडी वेदर में एफिड का डैमेज उस टाइम पे ज़्यादा होता है। जैसे अभी का मौसम आप देखो, कोल्ड एंड क्लाउडी वेदर हो रहा है ना, इस टाइम पे एफिड जो इन्फेक्शन करेगा या फिर इन्फेस्टेशन करेगा वीट के ऊपर में ज़्यादा करेगा। ये हेवीली मैन्योर्ड, जिनमें मैन्योरिंग ज़्यादा की गई है, वेल इरीगेटेड एंड सक्यूलेंट क्रॉप विल हार्बर दी पेस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड एंड सफर ग्रेटर डैमेज। मतलब अगर आप लोगों ने ज़्यादा मैन्योरिंग कर दी है अगर वीट क्रॉप की, या फिर उनको ज़्यादा इरीगेट कर दिया है, सक्यूलेंट क्रॉप है, सक्यूलेंट मतलब थोड़ा सा हेल्दी क्रॉप है, तो उसमें हेल्दी इन द सेंस बड़ा क्रॉप है, तो उसमें जो डैमेज सिम्टम होगा वो ज़्यादा होगा। अब इस वीट एफिड को कैसे पहचानते हैं, इंसेक्ट को पहचानने का तरीका क्या है, दैट इज कॉल्ड बायोनॉमिक्स। तो इंसेक्ट्स आर ग्रीन, दिखने में ग्रीन होंगे, इनर्ट होंगे मतलब अनरिएक्टिव ही दिखेंगे, लाउस लाइक, लाउस मतलब आपने देखा होगा एक ये एक चूहे की तरह होता है। ठीक है, बहुत शांत सा होता है। ठीक है, निम्स एंड द फीमेल्स लुक अलाइक। ठीक है, निम्स और फीमेल्स को अगर हम देखेंगे एक जैसे ही होंगे, एक्सेप्ट दैट द लेटर आर लार्जर। बोलने का मतलब लेटर यानी फीमेल्स होंगे बड़े होंगे और निम्स होंगे छोटे होंगे, बस सिमिलर होंगे देखने में। इट ब्रीड्स एट फास्ट रेट ड्यूरिंग कोल्ड वेदर एंड रीचेज द हाई ऑफ इट्स पॉपुलेशन। वेदर कंडीशन में ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं इन फरवरी मार्च, व्हेन द ईयर्स आर राइपनिंग, जब ईयर जो पकते रहते हैं वीट के उस टाइम पे ज़्यादा होते हैं। द फीमेल्स गिव बर्थ टू यंग वंस एंड आर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग विदाउट मेटिंग। यानी विदाउट मेटिंग, यानी आप समझ रहे हो कि इसमें अगर प्लांट होता तो पार्थेनोकार्पी कहते हैं, लेकिन हाँ इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन ही क्या हो रहा है, जो यंग वंस है डेवलप करेंगे। ड्यूरिंग द इफेक्टिव ब्रीडिंग सीजन देयर आर नो मेल्स एंड द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेरी हाई। व्हेन द वीट क्रॉप इज राइप एंड द समर इज अप्रोचिंग, द विंग फॉर्म्स ऑफ बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड एंड दे माइग्रेट टू अदर पार्ट्स लाइक दूबग्रास, साइनोडॉन, डॉक्टाइलन। बोलने का मतलब है जब वीट क्रॉप
राइप हो जाता है, समर जब पास आने वाला रहता है तो इनको पॉपुलेशन कम होता है, उस टाइम पे इनमें विंग्स आ जाते हैं, ठीक है, और ये नए जगह पे चले जाते हैं अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने, कहाँ पे, जैसे दूब ग्रास पे, साइनोडॉन, रेक्टालॉन। इट इज नॉट नोन हाउ द पेस्ट पासिस द समर एंड मानसून सीजन, कि समर और मानसून में किस तरह सर्वाइव करते हैं इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है। इन अक्टूबर नवंबर द एफिड्स अगेन अपीयर ऑन वीट, मतलब दूब ग्रास से फिर वापस कब आ जाते हैं, अक्टूबर नवंबर में। इफ अवेलेबल बार्ले इज प्रिफर्ड टू वीट, अगर बार्ले अगर होगा क्रॉप वहाँ पे तो वीट पे नहीं जाके, मान लीजिए कि वो अक्टूबर नवंबर को जो टाइम है उस टाइम पे बार्ले भी लगा है और वीट भी लगा हुआ है तो वो बार्ले को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। द लॉस ड्यू टू एफिड हैव बीन रिपोर्टेड अप टू 36%, यानी 100 क्रॉप में से 36 क्रॉप को ये डैमेज कर देते हैं, ये मैक्सिमम डैमेज है, मतलब इतना तक देखा गया है। सो आई होप ये जो फर्स्ट स्लाइड है वो क्लियर हैगा होगा। अभी मैं आपको इमेज दिखाता हूँ कि वीट एफिड दिखता कैसा है। सो दिस इज वीट एफिड, ग्रीन कलर का मैंने बोला था, ये देखिए ये इनके क्या है, नीम्स है छोटे छोटे, इनमें एक लार्वा प्यूपा एडल्ट नहीं बनता है, ठीक है। सो दिस इज वीट एफिड, और यहाँ पे छोटे छोटे आपको वही सेम चीज दिखाए गए, ठीक है। ओके, ईटीएल क्या है, ईटीएल मतलब इकोनॉमिकली थ्रेशोल्ड लेवल क्या है, मतलब कब अपने को इनमें केमिकल्स वगैरह यूज करना है। 5 एफिड्स पर ईयर हेड दिख रहे हैं अगर, तो उस टाइम पे अपने को ईटीएल जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, स्प्रे ऑफ द 375 ml ऑफ डाइमिथॉइड 30 EC, ठीक है, यानी हम केमिकल कंट्रोल कर सकते हैं, केमिकल्स के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे आप देख लो, सारा कुछ मेंशन है। सिंस एफिड अपीयर्स फर्स्ट इन दी बॉर्डर ऑफ द क्रॉप, स्प्रे ओनली ऑन दी इन्फेक्टेड स्ट्रिप टू चेक फर्दर स्प्रेड, बोलने का मतलब है कि जो एफिड्स हैं सबसे पहले कहाँ लग रहे हैं, बॉर्डर पे लग रहे हैं क्रॉप के, मतलब जैसे पूरे फील्ड में क्रॉप लगा हुआ है तो एफिड का इन्फेक्शन इन बॉर्डर बॉर्डर वाले क्रॉप पे होंगे, तो इन सबसे पहले अपने को अप्लाई कहाँ करना चाहिए, बॉर्डर साइड पे, स्ट्रिप पे, यानी इन पे करना चाहिए, ताकि इनका फर्दर इन्फेक्शन हम अंदर की तरफ क्या कर पाएं, रोक पाएं, यानी अंदर से हम स्प्रे करना ना स्टार्ट कर दें, पहले बाहर बाहर पे क्या करते हैं इनको हमें लगाना चाहिए। आई होप जो वीट एफिड है इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो भी चीज़ें हम लोगों ने बात करी है वो आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग टू द सेकेंड पेस्ट, दैट इज आर्मी वॉर्म, ठीक है। आर्मी वॉर्म बिलोंग करता है लैपिडोप्टेरा से, आप देख पा रहे हो लैपिडोप्टेरा, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द इंसेक्टा। सो ओके, अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस में है ये कॉस्मोपॉलिटिन है, मतलब हर जगह पाए जाएंगे। स्पोरेडिक है, स्पोरेडिक इज अ टाइप ऑफ पेस्ट, ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, एंड हैज गेन्ड प्रोमिनेंस एज ए पेस्ट ऑफ वीट ओनली रिसेंटली। इनको ज़्यादातर अगर हम जानते हैं आर्मी वॉर्म को, तो वीट के ही पेस्ट की तरह जानते हैं, पार्टिकुलरली आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्सिकन वेराइटीज ऑफ वीट। मैक्सिमम वेराइटीज ऑफ वीट आर सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ वीट, ठीक है। होस्ट रेंज में अगर हम बात करते हैं तो वीट, सुगर केन, मेज, ज्वार, बाजरा, ठीक है, बारू ग्रास, ठीक है, एंड अदर ग्रामिनेसियस क्रॉप, मतलब ग्रामिनी फैमिली वाले क्रॉप से उनको इन्फेक्ट करता है। टाइम सिम्टम में बात करेंगे तो फ्रेशली इमर्ज लार्वा स्पिन थ्रेड्स फ्रॉम विच दे सस्पेंड देमसेल्फ इन एयर, एंड देन विद द हेल्प ऑफ एयर करेंट्स रीच फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो फ्रेशली फ्रेशली जो इमर्ज लार्वा होते हैं, ये अपने आप को ये प्लांट से, मान लो ये प्लांट का कोई पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे इन्फेक्शन कर रहे हैं, यहाँ से पतला थ्रेड बनाते हैं और यहाँ पे अपने आप को, मतलब यहाँ पे पहुँच जाता है लार्वा, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ, मान लो भी ये प्लांट लगा हुआ था जिसमें ये थे, ठीक है, अब एयर करंट, यानी मान लो इधर से एयर ब्लो करता है तो नेक्स्ट प्लांट जो होगा इसके ऊपर ये क्या करेंगे, चले जाएंगे, तो यानी विद द हेल्प ऑफ एयर करंट ये क्या करते हैं, दूसरे पौधे के ऊपर में, वन प्लांट टू अनदर जो है ये ट्रेवल करते हैं। इन द अर्ली स्टेज दे फीड ऑन द टेंडर लीव्स इन द सेंट्रल होल एंड लेटर फीड ऑन द ओल्डर लीव्स एंड स्क्लेरोटोनाइज देम टोटली, मतलब उसके ऊपर स्क्लेरेटिन लेयर, यानी उसको डेड कर देते हैं, ठीक है। दी ग्रोन अप कैटरपिलर्स थ्रो आउट फिकल पिलेट्स विच आर क्वाइट प्रोमिनेंट, अपने को फिकल पिलेट्स दिखेंगे जब जो कैटरपिलर्स होंगे, मतलब लार्वा जो है कैटरपिलर्स में जब कन्वर्ट हो जाते हैं। इन केस ऑफ सीवियर अटैक होल लीव्स इंक्लूडिंग द मिडरिब आर कंज्यूम्ड एंड द फील्ड लुक्स लाइक ग्रेज्ड बाई कैटल्स। दी लार्वा फीड वोरेसियसली एंड माइग्रेट फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर। द पेस्ट में ऑल्सो ईट अवे ईयर्स इंक्लूडिंग द ऑन एंड इमेच्योर ग्रेन्स, यानी पूरा कंप्लीट फार्म को ही, यानी जो फील्ड को है, सफा चट कर देते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, एक आर्मी की तरह आते हैं, पूरे जमीन को बंजर बना के चले जाते हैं, वहाँ के जितना वेजिटेशन है उनको किल कर देते हैं, ठीक है। आई होप ये जो छोटा सा जो स्लाइड है ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो अगर बात करते हैं इसी आर्मी वॉर्म के बारे में बात करेंगे तो इनको देखिए ये दिखते कैसे हैं, दीज आर आर्मी वॉर्म्स, ठीक है। ये तो इसका जो लार्वा स्टेज है वो दिखाया गया है, और ये जो आप देख रहे हो ना दैट इज द एडल्ट स्टेज। ओके, बायोनॉमिक्स अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे होंगे, पेल ब्राउन एडल्ट होंगे,
ठीक है, ब्राउन कलर के हल्के कलर के एडल्ट होंगे, लिव फॉर 1 to 9 days एंड ले एक सिंगली इन रोज और इन क्लस्टर्स ऑन ड्राई और फ्रेश प्लांट्स और ऑन द सॉइल, मतलब सॉइल या फिर ड्राई पार्ट ऑफ द प्लांट पे वो जनरली एग देते हैं। फ्रेशली लेड एग्स आर राउंड, लाइट ग्रीन, टर्न पेन येलो एंड फाइनली ब्लैक। यानी जो फ्रेशली लेड एग होंगे वो राउंड होंगे, लाइट ग्रीन के होंगे और धीरे धीरे वो ब्लैक कलर के कन्वर्ट हो जाएंगे। एक पीरियड 4 से 11 दिन का होता है समर में एंड 19 days का होता है विंटर में। फ्रेशली इमर्ज लार्वे आर वेरी एक्टिव, ठीक है, डल व्हाइट एंड लेटर टर्न ग्रीन। मतलब स्टार्टिंग में तो क्या होंगे, लाइट कलर के होंगे, ठीक है, व्हाइट कलर के, सॉरी डल व्हाइट कलर के, देन वो ग्रीन में कन्वर्ट होंगे जैसे जैसे उनका ग्रोथ होगा। इन स्प्रिंग आप देख भी पा रहे हो जो लार्वा है, आप इनको देखो ये ग्रीन कलर के हैं, ठीक है, ओके। सो अभी आप जो देख रहे होगे ये क्या हो गए, लेटर स्टेजेस के लार्वा हैं जो कि थोड़े से डेवलप हो चुके हैं। इन स्प्रिंग द लार्वल स्टेज इज कंप्लीटेड इन 13 to 14 days बट इन विंटर इट इज प्रोलॉन्ग अप टू 88 to 100 days। लार्वा इतना लंबा तक लार्वल स्टेज रहता है। इन प्री प्यूपल स्टेज, मतलब लार्वा से जो प्यूपल में कन्वर्ट होगा, द इंसेक्ट स्पिन्स ए ककून, यानी अपने अराउंड ककून का फॉर्मेशन करता है। आपने ककून देखा भी होगा बहुत सारे इंसेक्ट्स का, जो रुई की तरह बन जाता है उसके अंदर में इंसेक्ट रहता है, ठीक है। द प्री प्यूपल स्टेज लास्ट 1 to 11 days, यानी प्यूपल बनने वाला जो के पहले का जो स्टेज है दैट इज 1 to 11 days ड्यूरिंग जनवरी टू मे। प्यूपेशन यूजली टेक्स प्लेस इन दिस सॉयल एट अ डेप्थ ऑफ, यानी इनका प्यूपा कहाँ बनेगा, सॉइल के डेप्थ में, और कितना, 0.5 यानी 1 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर डेप्थ तक। बट इट मे ऑकर्स अंडर ड्राई लीव्स अमॉन्ग दी स्टबल और फ्रेश टिलर्स। जनरली दी लार्वा बिफोर प्यूपेशन सीम्स टू सेलेक्ट साइट्स नियर दी वाटर चैनल्स, जहाँ पे पानी होता है जनरली वहाँ पे ही क्या करते हैं, ये ढूंढते हैं प्यूपेशन के लिए। द प्यूपल पीरियड इज 9 to 13 days इन मे एंड 36 to 48 days इन विंटर, यानी प्रोलॉन्ग हो जाता है। आप देख रहे हो लार्वा डेज भी प्रोलॉन्ग हुआ था और यहाँ पे आप देखो प्यूपल डेज भी प्रोलॉन्ग हुआ है। मैनेजमेंट के लिए ऑब्वियस है केमिकल्स यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए क्या लिखा हुआ है, द पेस्ट कैन बी सॉरी द पेस्ट कैन बी सप्रेस्ड बाई कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द कैटरपिलर्स, यानी इनके कैटरपिलर्स को किल कर दो। दूसरा स्प्रे 500 ml ऑफ डाइक्लोरोफॉस 85 SL और 3 kg ऑफ दी कार्बाइल WP, ठीक है, इन 1 लीटर ऑफ क्विनलफॉस, ठीक है। ये मतलब केमिकल कंट्रोल तो आप देख लो, ये सारा चीज़ मेंशन किया गया है, जो इतना आपसे बहुत इन डेप्थ कितना कितना यूज़ करना ये नहीं पूछा जाता है, फिर भी हाँ उनका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वगैरह थोड़ा सा याद रखोगे नाम करके, ठीक है। सो ये दो इंसेक्ट्स हम लोगों ने पढ़े हैं जो कि वीट को डैमेज करते हैं। हम जो भी जो इंसेक्ट पढ़ेंगे ना, ऑल आर मेजर पेस्ट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पेस्ट दैट इज थर्ड नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जब भी मैं भी कॉलेज में था तो टीचर्स पे बड़ा फोकस करते थे, दैट इज थर्ड इज कॉल्ड गुजिया वीविल, ठीक है। ये बिलोंग करता है कौन से ऑर्डर से, दैट इज कॉलिप्टेरा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस के बारे में अगर हम बात करें तो पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन स्पोरेडिक, मतलब क्या होता है स्पोरेडिक, मतलब हो गया कि हर जगह पाए जाने वाले हो गए, या फिर अगर हम बात करते हैं मतलब ये कॉस्मोपॉलिटिन है, मतलब हर जगह है और कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस इन वीट ग्रोइंग एरियाज, ठीक है। हर जगह तो पाए जाते हैं लेकिन वीट ग्रोइंग एरियाज में ये ज़्यादातर पाए जाएंगे, ठीक है। होस्ट रेंज अगर हम बात करेंगे तो जर्मिनेटिंग रबी क्रॉप्स, ठीक है, लाइक हम जानते हैं सबसे प्रोमिनेंट अगर एग्जाम्पल देखें रबी क्रॉप में तो कौन है, वीट है, वीट, बार्ले, ग्राम एंड मस्टर्ड, इनमें देखा जाता है। डैमेज सिम्टम अगर बात करेंगे तो ओनली एडल्ट फीड्स ऑन लीव्स एंड टेंडर सूट्स ऑफ दी होस्ट प्लांट, ठीक है, यानी एडल्ट ही फीड करते हैं लीव्स पे और टेंडर सूट पे होस्ट प्लांट के। दे कट दी जर्मिनेटिंग सीडलिंग एट दी ग्राउंड लेवल, ऑफन द क्रॉप इज रीसोन, ठीक है, ओके। द डैमेज इज पार्टिकुलरली सीरियस ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर व्हेन द रबी क्रॉप आर जर्मिनेटिंग, यानी क्या कर देते हैं, जब से जब जर्मिनेशन होता है उसी लेवल पे क्या कर देते हैं, जो ग्राउंड लेवल है यानी जस्ट अबव द रूट लेवल, ये कट कर देते हैं प्लांट को। कौन से स्टेज में, जर्मिनेटिंग स्टेज में। बायोनॉमिक्स इनको पहचानना कैसे है, वी विल आर अर्थन ग्रे, यानी मिट्टी के कलर के होंगे, ग्रे कलर में, विद अस अबाउट 6 to 8 मीटर इन लेंथ एंड 2.4 mm इन मिलीमीटर सॉरी 2.4 mm इन विथ। देयर फोर विंग्स आर ऑब्लॉन्ग्ड एंड हाइंड विंग्स आर मोर और लेस ट्राइंगुलर इन शेप बट दे कैन नॉट फ्लाई, ये उड़ नहीं सकते, ठीक है, यानी गुजिया वेबल जो है ये उड़ता नहीं है। द पेस्ट इज एक्टिव फ्रॉम जून टू दिसंबर एंड अंडरगोज लार्वल टू पीपल डायापॉज, एक पॉज होता है, डायापॉज मीन्स स्टॉप कह सकते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा इनका एक्टिविटी, बॉडी एक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है, ड्यूरिंग रेस्ट ऑफ द ईयर इन दिस सॉयल, ठीक है। सो प्यूपल डायपॉज होता है इनमें। पीपल्स इमर्जिंग इन जून मैच्योर सेक्शुअली इन अक्टूबर, मतलब अक्टूबर तक मैच्योर हो जाते हैं। दे मेट फ्रीक्वेंटली एंड ले 6 to 76 eggs इन 5 to 7 installments इन द सॉयल अंडर द क्लॉट्स एंड क्रेवाइसेज ऑफ द ग्राउंड,
जहाँ पे छोटे छोटे क्रैक्स बने होते हैं, छोटे स्पेसेस होते हैं, वहाँ पे देते हैं मिट्टी में। एक पीरियड है 6 to 7 weeks। यंग ग्रब्स, इनके जो छोटे छोटे जो लार्वा, लार्वा नहीं बोलेंगे, छोटे छोटे इंसेक्ट जो बनेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्रब्स, इंटर द सॉइल। ग्रब पीरियड इज 8, 10 to 18 days एंड प्यूपेट इन अर्थन चैम्बर्स इन ए डेप्थ, ठीक है, ऑफ 15 to 60 सेंटीमीटर। द प्यूपल स्टेज लास्ट फॉर 7 to 9 weeks, 7 से 9 दिन का प्यूपल टाइम होता है। एंड एडल्ट इमर्जेस नेक्स्ट ईयर इन जून एंड जुलाई, ठीक है। द पेस्ट हैज ओनली वन जनरेशन इन ईयर, मतलब ये इनको पूरे साल में एक जनरेशन ही कंप्लीट कर पाते हैं ये, मतलब एक पेरेंट, एक जो फीमेल है वो एक साल में वन जनरेशन को ही बना पाती है। मैनेजमेंट अगर हम बात करेंगे तो डस्ट, कार्बाइल और मेलाथियॉन 5D एट द रेट ऑफ 25 kg पर हेक्टेयर। सो केमिकल मैनेजमेंट करना है। सो आई होप ये जो तीन पेस्ट हम लोगों ने पढ़ा है गुजिया विविल, आपको समझ में आ गया होगा। पेस्ट नंबर 4 है, दैट इज ग्राम पॉड बोरर। आप बोलोगे सर ग्राम का है सर, हाँ तो मेजर पेस्ट ग्राम का भी होगा जो कि किसको डैमेज कर रहा है, वीट को भी कर रहा है। सो पेस्ट ऑफ वीट के अंदर में हम इसको पढ़ने वाले हैं। सो अगर इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, सो द ग्राम पॉड बोरर अटैक्स वीट एट मेच्योरिटी, जब वीट मेच्योर हो जाएगा तब अटैक करता है। इट फीड्स ऑन द ग्रेन्स और इन द ईयर हेड्स। द डैमेज इज मोर वेयर वीट फॉलोज कॉटन, ठीक है, मतलब जहाँ पे कॉटन के बाद वीट को लगाया गया है ना, वहाँ पे वैसे वाले वीट क्रॉप को ज़्यादा ही डैमेज करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए स्प्रे 3 kg ऑफ कार्बाइल 50 WP और 2 लीटर ऑफ क्विनल फॉस 25 EC इन 500 लीटर ऑफ वाटर पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिस इज ग्राम पॉड बोरर, ठीक है। आई होप ये जो छोटा सा पेस्ट है दैट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्राम का मेजर पेस्ट है, फिर भी एक मेजर पेस्ट है वीट का, तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। पेस्ट ऑफ वीट हम लोगों ने चौथा देख लिया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर पे, दैट आर टर्माइट्स। इसको हम लोगों ने अभी जस्ट पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है, यानी अगर हम बात करें, हम लोगों ने जो ये पढ़ा था ना इससे पहले अमेज के लिए, उसमें भी हम लोगों ने टर्माइट्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। सो टर्माइट्स आर दी नेक्स्ट मेजर पेस्ट ऑफ वीट, ठीक है। ये बिलोंग करते हैं किससे, कौन से ऑर्डर से, सॉरी, ये बिलोंग करते हैं आइसोप्टेरा से। टर्माइट्स डैमेज दी वीट क्रॉप सून आफ्टर सोइंग और नियर मेच्योरिटी, जस्ट आफ्टर सोइंग और नियर मेच्योरिटी, जब मेच्योरिटी आने वाली थी तब। द डैमेज प्लांट्स ड्राई अप कम्प्लीटली, यानी प्लांट को कम्प्लीटली ड्राई कर देगा, एंड आर इजली पुल्ड आउट। द प्लांट्स डैमेज एट लेटर स्टेजेस गिव राइज टू वीट वाइट ईयर्स, यानी अगर इनिशियल स्टेजेस में कर देता है तो कम्प्लीटली प्लांट क्या हो जाएगा, जमीन से निकल जाएगा, पुल्ड आउट हो जाएगा, मतलब इसको हम लोग बाहर, यहाँ से रूट रूट वीक हो जाता है, ये निकल जाता है प्लांट। लेकिन अगर प्लीट प्लांट एस्टेब्लिश कर चुका है तो वो डैमेजिंग सिम्टम कहाँ दिखेगा अपने को, क्रॉप के ईयर में, और ईयर का कलर कैसा हो जाएगा, वाइट कलर का, ठीक है। मैनेजमेंट सिम्टम, मैनेजमेंट अगर हम देखते हैं तो ट्रीट द सीड एट द रेट ऑफ 4 ml ऑफ क्लोरोपाइरीफॉस, ठीक है, 20 EC और 7 ml ऑफ द इंडोसल्फान 35 EC पर kg ऑफ द सीड, यानी सीड ट्रीटमेंट करना है। इफ द अटैक इज नोटिस्ड इन द स्टैंडिंग क्रॉप डायल्यूट, यानी अब तो सीड वाला तो कर नहीं पाएंगे, अगर स्टैंडिंग क्रॉप में दिखता है तो डायल्यूट 2.5 लीटर ऑफ इंडोसल्फान 35 EC इन 5 लीटर ऑफ वाटर एंड मिक्स इट विथ 50 kg ऑफ सॉयल एंड ब्रॉडकास्ट इवनली इन 1 हेक्टेयर एंड फॉलो बाई लाइट इरीगेशन। इसके बाद अपने को लाइट इरीगेशन देना है। तो इस तरीके से हम टर्माइट्स को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस वॉज पेस्ट नंबर 5, दैट इज अ मेजर पेस्ट ऑफ वीट। मूविंग टू द सिक्स्थ पेस्ट, दैट इज मोलिया निमेटोड। ये एक निमेटोड है, ठीक है। निमेटोड अगर हम जनरली देखेंगे ना तो कहाँ पे इन्फेक्शन करता है, प्लांट के रूट में, ठीक है। ये अगर हम बात करते हैं तो देखो क्या लिखा हुआ, आपने ये ऑर्डर सुना ही नहीं होगा, टैलेंचिडा, ठीक है, इससे बिलोंग करता है, ठीक है। हाँ अगर हम बात करें इसके बारे में, सॉरी, अगर इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस अगर हम देखें तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूरोप, ठीक है, एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड हैज रिसेंटली बीन रिकॉर्डेड इन राजस्थान एंड हरियाणा, ठीक है। होस्ट रेंज के अगर हम बारे में बात करते हैं तो होस्ट रेंज क्या है, ओट्स है, राई है, बार्ले है एंड वीट है, ठीक है। तो जनरली आप देख रहे हो ना ये सारे क्रॉप्स कॉमन ही है, मतलब मोस्ट ऑफ दी पेस्ट के लिए। डैमेज सिम्टम्स, अटैक प्लांट रिमेन सेंटेड, जिन प्लांट को अटैक किया जाएगा प्लांट सेंटेड रह जाएगा, एंड गिव ए सिवर्ड अनहेल्दी अपियरेंस। प्रेजेंस ऑफ निमेटोड स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच रूटलेट्स, यानी देखो ये कहाँ पे इन्फेक्शन कर रहा है, रूट के अंदर में, ठीक है। द मेन, अच्छा इसमें बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ निमेटोड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच रूटलेट्स, जो रूटलेट्स बनेंगे ना रूट के बाद जो छोटे छोटे बनते हैं रूटलेट्स, उनमें बहुत सारी ब्रांचिंग हो जाएंगी। द मेन रूट रिमेन्स शॉर्ट,
ठीक है। और बंची बियरिंग स्मॉल गर्ल्स, यानी गर्ल्स मतलब गांठें। अगर आप इसमें देखोगे तो जस्ट मुझे थोड़ा सा जूम करने दो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप रूट्स में देखोगे तो क्या बन रही है, गांठें बन रही है, ठीक है। तो ये इनको हम लोग बोलते हैं गर्ल डिजीज, यानी गर्ल का फॉर्मेशन करता है, गर्ल मतलब गांठें बोलते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ सीवियर इन्फेस्टेशन, हाँ अगर इन्फेस्टेशन क्या है, ज्यादा है, दी सीडलिंग्स में फेल टू कम आउट ऑफ द सॉइल, द प्लांट दैट स्केप द अर्ली डैमेज प्रोड्यूसेस शॉर्ट स्टॉक्स, मतलब अगर डैमेज नहीं हुआ ज्यादा, अगर वो आ जाता है तो उनके स्टॉक्स क्या होंगे, छोटे होंगे, ईयर भी क्या होंगे, छोटे होंगे, और यील्ड ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी हार्वेस्टिंग भी क्या होगी, फिर कम ही होगी। सो दिस इज द डैमेज सिम्टम इन द रूट ऑफ द प्लांट, दिस इज द सिस्ट नेमेटोड, जिसको हम लोग मोइला नेमेटोड कहते हैं। मूविंग टू द लास्ट पेस्ट ऑफ द वीट, दैट इज, सॉरी उसके पहले बायोनॉमिक्स डिस्कस करना है अपने को। सो अगर इसके बायोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो दिस नेमेटोड पासिस अनफेवरेबल सीजन इन द फॉर्म ऑफ सिस्ट, इसीलिए इसको सिस्ट नेमेटोड कहते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ओके, ठीक है। मोस्टली इन द सॉइल, ए सिस्ट कंसिस्ट ऑफ डेड बॉडी ऑफ द फीमेल कंटेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ एग्स, ठीक है। फीमेल मर जाती है एक लेइंग के बाद, व्हेन दी मतलब कह सकते हैं कि जो फीमेल का बॉडी है ना, वो ही सिस्ट की तरह काम करता है। व्हेन द कंडीशन आर फेवरेबल, एग्स हैचेस विद इन द सिस्ट एंड द लार्वा आर सेट फ्री इन टू द सॉइल इन द सेकेंड स्टेज ऑफ द ग्रोथ। द लार्वा में इन्वेड एनी अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द ससेप्टेबल प्लांट, बट मोस्ट ऑफ देम इंटर इट एट नियर द रूट टिप्स, जहाँ से रूट टिप होता है वहाँ से इंटर करते हैं। आफ्टर मूविंग ए शॉर्ट डिस्टेंस थ्रू द कॉर्टेक्स, ठीक है। अगर आपको अगर अंदर का प्लांट का थोड़ा सा एनाटॉमी याद है तो एपिडर्मिस है, अंदर में कॉर्टेक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे वो घुसेगा तो कहाँ जाएगा, कॉर्टेक्स की तरफ। दे एज्यूम ए पोजिशन मोर और लेस पैरेलल टू द मेन एक्सिस ऑफ द रूट, ठीक है। मान लो, मैं आपको समझाता हूँ, अगर मान लो ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट में ये रूट है, तो ये अपने आप को किस तरीके से अरेंज करेंगे, इसी डायरेक्शन में अरेंज कर लेते हैं, मतलब पैरेलली इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं इसके अंदर में, ठीक है। ओके, एज्यूम ए पोजिशन मोर और लेस पैरेलल टू द मेन एक्सिस ऑफ द रूट विद द हेड अवे फ्रॉम द टिप, ठीक है। द मेल इंक्रीजेज इन गर्थ, ठीक है, चौड़े होते हैं, अंटिल द विड्थ इज इक्वल अबाउट 1/5 ऑफ द लेंथ एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड इट अंडरगोज द सेकेंड एंड थर्ड माउल्टिंग। द बॉडी बिगिन्स टू इलोंगेट एंड बिकम्स फोल्डेड एंड कॉयल विद इन द क्यूटिकल ड्यूरिंग दिस थर्ड स्टेज। आफ्टर एज्यूमिंग द फाइनल सिलेंड्रिकल शेप इट माउल्ट्स फॉर द फोर्थ टाइम एंड बिकम्स एन एडल्ट, यानी चार मॉल्टिंग चाहिए एडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए। द फीमेल डज नॉट अंडरगो सच मेटामॉर्फोसिस, यानी ये जो कन्वर्जन स्टेज है ना, एक लार्वा पीपा एडल्ट और मेटामॉर्फोसिस वाले जो स्टेजेस हैं, फीमेल में ये सब सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है। एंड आफ्टर द सेकेंड एंड थर्ड मॉल्टिंग इट कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन गर्थ अंटिल इट बिकम्स ओवेट, ठीक है। ओके, थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा, शायद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये गलत क्या बोल दिया, मैं तो थोड़ा समझिएगा, मैं मतलब एक लार्वा वाली बात नहीं बोलना चाह रहा था, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए ये जो मेटामॉर्फोसिस यानी फोर्थ मॉल्टिंग वाला बात है ना, एडल्ट कन्वर्ट होने में, फीमेल में इतना ऐसा कुछ नहीं होता है। आफ्टर सेकेंड एंड थर्ड मॉल्टिंग इट कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन गर्थ एंड बिकम्स ओवेट, यानी इनमें ओवरीज वगैरह डेवलपमेंट हो जाता है। इट कैन अंडरगोज फोर्थ एंड फाइनल मॉल्टिंग एंड इमर्जेज एज ए फुल ग्रोन एडल्ट। आफ्टर मेटिंग द एग्स मैच्योर इन साइड द बॉडी एंड द फीमेल ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल एंड इट डाइज, द बॉडी बिगेन्स कन्वर्टेड इन टू अ सिस्ट। जो फीमेल का जो बॉडी है वही सिस्ट की तरह काम करता है, इसीलिए इसको सिस्ट नेमेटोड कहते हैं। मैनेजमेंट के लिए फॉलो क्रॉप रोटेशन, ठीक है, विथ नॉन होस्ट क्रॉप लाइक मस्टर्ड पल्सिस के साथ में। ग्रो सिस्ट नेमेटोड रेजिस्टेंट वीट लाइक राज MR1, ठीक है, बारले के लिए बारले RD2035 है, ठीक है। प्लो टू और थ्री टाइम्स ज्यूरिंग समर, समर के टाइम में प्लोइंग थोड़ा ज़्यादा करनी है, 2 से 3 बार। अप्लाई करना है अगर केमिकल कंट्रोल करना है तो कार्बोफ्यूरिन एट द रेट ऑफ 45 kg पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड, ठीक है। सो ये था हमारा छठा पेस्ट, दैट वॉज क्या नाम था इसका, हम लोगों ने पढ़ा था मोइला नेमेटोड, ठीक है, जिसको हम लोग सिस्ट नेमेटोड भी कहते हैं। मूविंग टू द लास्ट पेस्ट ऑफ द वीट, दैट इज वीट गर्ल नेमेटोड। ये गर्ल फॉर्मेशन करेगा, वो भी गर्ल फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। सो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये भी किस में किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, टैलेंजिटा से, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस अगर हम बात करेंगे तो कॉस्मोपॉलिटिन हर जगह पाया जाएगा। इट कॉजेज ईयर कॉकल, ठीक है, और मैमनी डिजीज। ये मुझे याद है कि जब मैं पढ़ रहा था तो ये मुझे भी टीचर ने पढ़ाया था, ठीक है, ईयर कॉकल। द नेमेटोड इज ऑल्सो द कैरियर ऑफ बैक्टीरियल येलो स्लाइम ईयर रॉट,
ठीक है, जिसको हम लोग टुंडू डिजीज भी कहते हैं, कॉज्ड बाई कॉर्निबैक्टीरियम ट्रिटिसाई। होस्ट स्ट्रेन में अगर हम बात करेंगे तो राई, स्पेल्ट एंड इमर, ठीक है, ओट्स एंड बार्ले आर इम्यून, ठीक है, उनमें इम्यूनिटी होती है इनके लिए, निमेटोड के लिए। डैमेज सिम्पटम बात करेंगे, इफ द बैक राउंडेड मियामी गर्ल्स आर सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट, द कोट सॉफ्टन एंड लार्ज नंबर ऑफ लार्वा आर सेट फ्री। बोला जा रहा है कि अगर हम जो ब्लैक ग्राउंडेड अपने वो गर्ल्स मिलेंगे प्लांट के अंदर में, रूट में जनरली, अगर उनको वाटर में अगर हम रात भर छोड़ दें तो जो कोट होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ लार्वा हैं जो वो फ्री हो जाते हैं, दिखते हैं अपने को। इफेक्टेड प्लांट्स आर मोर और लेस सेंटर रहेंगे, छोटे रहेंगे, देयर लीव्स आर रिंकल्ड, रोड एंड डिस्टेड, वेरिएबल नंबर ऑफ ग्रेन्स इन एन इन्फेस्टेड ईयर में प्रोड्यूस गर्ल्स, द डिजीज ईयर्स आर शॉर्टर एंड थिकर देन हेल्दी वंस, ठीक है, एंड ग्लूम्स आर स्प्रेड फर्दर अपार्ट। ये ग्लू में क्या होता है, वीट का सीड के आसपास वाला जो पार्ट है वाइट कलर का होता है, एक कैसे समझाऊँ, आपने वीट का जो सीड देखा होगा उसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है वाइट कलर की, दैट इज कॉल्ड ग्लूम, ठीक है। सो अगर हम इसके बायोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे तो बायोनॉमिक्स में क्या है, अंडर नेचुरल कंडीशंस द ड्राई गर्ल आइदर फॉल्स टू द ग्राउंड और फ्रॉम द राइप ईयर और दे आर हार्वेस्टेड एंड फाइंड देयर वे टू द स्टोर अलॉन्ग विद द हेल्दी प्रोड्यूस। द गर्ल्स स्टोर ड्राई रिमेन्स वायबल फॉर लॉन्ग पीरियड, सिंगल गर्ल कंटेंस ऑफ 800 to 30,000 लार्वा विच रिवाइव एंड बिकम एक्टिव वेन द गर्ल इज मॉइस्टेंड। When wheat is sown, the gall becomes soft and imbibing moisture and the larvae are set to free from the soil. From there, they reach the host plant if available within a distance of 1/3 of the meter. They rise up the plant and find a site for feeding as free parasites on the young leaves and growing points. Later on, as the plant approaches the earing stage, they penetrate into the primordia of the plant, any flower, बर्ड्स एंड फॉर्म द गर्ल इंस्टीड ऑफ द नॉर्मल सीड, ठीक है। इन द डेवलपिंग गर्ल द लार्वा मैच्योर इन टू मेल्स एंड फीमेल्स एज द केस में बी, ठीक है। ए सिंगल गर्ल मतलब जैसा भी, मतलब मेल फीमेल जैसा भी केस होगा उस तरीके से डेवलप करेंगे। सिंगल गर्ल एट दिस स्टेज में कंटेन 40 फीमेल्स एंड इक्वल नंबर ऑफ मेल्स, दे मेट विद इन द गर्ल एंड ग्रेविड फीमेल्स ले ए लार्ज नंबर ऑफ एग्स। द लार्वा ऑन इमर्जिंग from the eggs develop up the second stage and becomes dormant. They remain in that stage for dry gulls till the next growing season and जैसे मॉइस्चर आएगा वापस से सॉइल में, वापस से क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे। देर इज ओनली वन जनरेशन इन ईयर, इनके लिए भी एक साल में एक ही जनरेशन होता है। मैनेजमेंट के लिए वीट गर्ल नेमेटोड कैन बी कंट्रोल्ड बाई स्प्रेडिंग गर्ल्स फ्रॉम द वीट सीड बाई फ्लोटिंग देम ऑन वाटर इन ए टब, द गर्ल बींग लाइटर फ्लोट ऑन द सर्फेस एंड मे बी स्केम्ड ऑफ, ऐसे ऊपर से हटा सकते हैं उसको छन्ने की तरह छान के। द सीड शुड देन बी ड्राइड बिफोर सोइंग, द पेस्ट कैन ऑल्सो बी सप्रेस्ड बाई सोइंग क्लीन एंड सीड इन यूनिफेस्टेड सॉइल, सॉरी अनइन्फेस्टेड सॉइल, ठीक है। ओनली वन ईयर्स फॉलोइंग इज सफिशियंट टू इरेडिकेट द नेमेटोड फ्रॉम द फील्ड। बोलने का मतलब फैलो पीरियड हम छोड़ते हैं ना क्रॉप के बीच में, जो फैलो पीरियड लगाते हैं, मतलब क्रॉप लगाया फिर 2-3 महीने छोड़ दिया जो फैलो पीरियड, खाली पीरियड, तो कहा जा रहा है कि एक साल के लिए फैलो पीरियड अगर हम रखते हैं दैट इज सफिशियंट कि उस फील्ड से क्या हो जाए, निमेटोड जो है इरेडिकेट हो जाए। सो गाइज आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। इस लेक्चर में हम लोगों ने कम्प्लीटली जो डिस्कशन किया है वो किया है पेस्ट ऑफ वीट के, वीट पे, और ऐसे नहीं है कि इसके अलावा कोई जो पेस्ट है वो लगता नहीं है। हम लोगों ने मेन जो बात करा है वो मेजर पेस्ट ऑफ वीट के बारे में बात किया है। सो अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छा लगता है, अगर आपको इससे कुछ वैल्यूबल कंटेंट मिलता है तो आप हमारे चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और लेक्चर्स के लिए हमारे सेकेंड चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, दैट इज गो फॉर एग्रीकल्चर सॉर्ट्स। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पेस्ट ऑफ डिफरेंट क्रॉप के साथ में, और बाय बाय।